आउनांति आम गाँव टे आसवा आर कौन आम गाँव रे पूरा चिक चिक विश्वास करिए टोटल उपरे सरकार कौड़ एम ना बाट गाँ को रास्ता पूरा चिक चिक विश्वास करिए जिते गाँ को जी से गाँ चिक चिक आर पुल कथा किस कौन खाली जी उपर तल को डी मार खाली डी मार आउना हेतु नाला टेनसन थी तो चाहिए आपको डाकदेली आम स्कूल पिला मैंने जमी जाऊँगी आपर ताल आसत देखिए डेमोटा देखुना आपण भावित स्कूल पिला मैंने स्कूल जाऊँच ना चिंगुड़ी दरंडुंच आरे कौन करिए से माने ना से डा अच्छी ना से रास्ता अच्छी आर कौन एत बाट बुली बुली जी दी किलोमीटर जगार सात किलोमीटर बुली बुली जी किए ताइरे पिला मैंने स्कूल जावाक डेरी होती भितर पशि जाऊँ भेरी आओ गोटे गुड न्यूज शुणे जिते बहरे टे पा थाए पहरी पहरी जाती बॉडी फिटनेस आस सरकार कहते पूरा व्यायाम कर देखे ना सब भुवनेश्वर कटक रेमती पार्क गुराक केमी आका नगे देते सैकेलींग करमती कर से गाँव रगे पारे से जगह ना तो डायरेक्ट लोक मान कहे पहरिक सेपटू पड़ा मोर मुह को लज्जा ना मुते कथा कही अरे लोक मान लॉलीपॉप देखे एमती रक्त शोषुंट शुणिले तुम गोड़ रक्त मुंड को उठीज से भाईना कहते शुणु पिलाटू की जीवाप असुविधा होगा ब्रिज टे सांगे सांगे बढ़िया बढ़िया होता था बोलिए चार वर्ष है ब्रिज कम्प्लीट होना आज्ञा सीटा पिलाटू की मिसा मिसा कोड़े किलोमीटर बुलिक जाऊँगी इड़े गले दु किलोमीटर बोले सियाड़े गला बोले स्कूल खेटुना आज्ञा अच्छी गोटे चालीस पचास गाँव अच्छी आज्ञा सियाड़े भाईना तुम से जो चालीस रु पचास गाँ लोक ना किए ताके बोधे आम सरकार निष्ठा आसुना बुझिपार बोधे से भाभी आप बण जंगल रोथा बण जंगल बचुवा मनीष मनीष ही ना गछलता ही देखते किसी लाइफ स्टाइल ना मानते किए बापा माँ भाई बंधु कुटुंब किए आका ना मरवेनि बचे देह खराब हेनी स्कूल जबेनि पाठ पढ़िए खाए पीबे शोबे कि ना इमती डाक्तरी लोक मैंने भी सही पहुँची पारे ताके निष्ठ रखि ना आपड़ बुझीजे ना पिलाटू की जीवाप असुविधा होगा ब्रिज टे सांगे सांगे बढ़िया बढ़िया होता था बोलिए चार वर्ष है ब्रिज कम्प्लीट होना आज्ञा सीटा पिलाटू की मिसा मिसा कोड़े किलोमीटर बुलिक जाऊँगी इड़े गले दु किलोमीटर बोले सियाड़े गला बोले स्कूल खेटुना आज्ञा अच्छी गोटे चालीस पचास गाँव अच्छी आज्ञा सियाड़े कथा बा एमाने सेठी रहिले बोले तांकर जीवन बोले किछ नै एमाने एत्ते जण नोक सेठी थाई कि भी कोनोसी प्रकार सुविधा तांके नै आउरी गोडे भाई ने कहले आज कि बहुत दिन रे ई असुविधा समिति करबाबे पड़जी राज्य सरकार को तरफ गोटे सेतु तैयारी है सर ये सेतु आज अधा कार्य 2018 मसीह तैयार है जहाँ कि बलभद्र माझी जो सांसद थे सांसद थे से भित्तिप्रस्तर स्थापन करते जहाँफल लोकों सुविधा हो बोली अंचलवासी बहुत खुशी रे थिले जहाँफल कार्यटा संपूर्ण भाव ठप हो रही है कि कौन से काम दे पारना एवं किसी दिन ते ए गाँव में गोटे लोक मरीगला बंधु बांधव सब अच्छा एपट सेपट हो नदी में फुल पा था आज डा ना किसी ना गमनागम कौन से सुविधा ना एमती कि निज लोक पहरिक गले पहरिक आसले सर आज्ञा आपण सीना खुशी हो पड़े आपणकर खुशी बा से देखिपाल जापाल सी आप खुशी से पा न ढाई था आप क्यों आसिक दुख प्रकाश कर था डायरेक्ट सी देखिले पोल करदे आप खुशी से खुशी से पलैबे पाख को गुहारी करा जीवन कि गोड़ तले पड़िए सत कि ना से कौन कले डायरेक्ट नई मड़ीदे आपण टेनसन नि भासी भासी सेपट को जातु सेपट जब किए लोक मर जाऊँ पुणी पहरी पहरी एपट को आसतु ताके ए योजनाटी करचंदी आरो से जो 18 रे आरंभ होई कि 19 रे सरिया कथा एरो 2022 2029 हो एक जगह दुई नागू तापर देखिवा ना अच्छा एते सब जतेले पाला हैला लोक माने एते असुविधा रचंदे तांको डिपार्टमेंट रे थिबा कोनो से लोक तोय विषय रे धारणा थिबो आमे सारु पचारी सार
2018 ଏଆର୍ରେ ଯେଉଁ ପୋଲଗୁଡ଼ା ହେଇକି ମାତ୍ର ଅଛି, ତାଙ୍କେ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧବାଟ ଏମିତି ଥଣ୍ଟେ କିମ୍ବର ଭଳି ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ସେ ନଈ ଭିତରେ ପଶିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, 2 କିଲୋମିଟର ଜାଗାରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ 25 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବେ କି ଯିବେ, ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହବ ତାଙ୍କେ କିଏ ଦେବ? ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେଇପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଟିକେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁ ଲୋକକୁ ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୁଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଘଣ୍ଟିଆ କିମ୍ବର କରି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ହବ? ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେଇଟା ଥିଲା, ମୁଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କ'ଣ ସେଇଟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ଆର୍ ଡି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି NBCC ପାଖରୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆର୍ ଡି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ତାଙ୍କର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କି SDO ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବାର କିଛି ସେଥିରେ ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ସେ NBCC ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ NBCC'ର ଅଫିସର ହିଁ ତାର ସୁପରଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇଟା ବି ସରକାରୀ ସ୍ତରକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମର ବୈଠକ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆର କାମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥି ପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମାତ୍ର ଏଇସବୁ କଥାରେ ସତରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ମାତ୍ର ଯିବେ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେ ନଈଟା ମାତ୍ର ଡେଇଁକି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ 25 କିଲୋମିଟର କ'ଣ ବୁଲି ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେ? ତାଙ୍କେ ତ ସେଇପଟେ ଯିବେ, କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ 20 କିଲୋମିଟର, ଇଆଡ଼େ ଆସିଲେ 2 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି, ବର୍ଷା ମାରୁଛି, ନଦୀ ଆସିଛି, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ବି ନାହିଁ, ବ୍ରିଜ୍ ବି ନାହିଁ, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତିଆରି ହେଉନାହିଁ, ଅଦା ହିଁ ରହିଛି। ଆମ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ନଦୀ ଡେଇଁକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ 2018 2022 ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ 23 ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଏ ପୋଲ କାମ ହବ କି ନାହିଁ ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ଏ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ସତରେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେନି ନୀଳ ନୋଟ ଭୋଟ ମାରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଜବାବଟା ଦେଇଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜବାବ ଦେବେ।